जब घर में उन्होंने गुंडे इकट्ठे कर रखे थे, उन्होंने वह कृपालों से काटा तो ये मेरा सारा हाथ काट दिया, उसका पूरा सिर कटा हुआ है। 25-30 लोग थे सर, हम 3 लोग थे। जामनीवाला पंचायत के पंचायत घर में मंगलवार को खूनी झड़प हुई। ग्रामीण स्तर पर न्याय के मंदिर पंचायत घर के भीतर खूनी झड़प एक ही परिवार के सदस्य के बीच हुई। एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए, एक महिला और युवक को गंभीर चोटें आई है। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग सुनियोजित ढंग से हमला करने की मंशा से पंचायत घर पहुंचे थे। हालांकि पंचायत प्रधान ने परिवार के सदस्यों को मकान के बंटवारे को लेकर उपजे विवाद के निपटारे के लिए बुलाया था। दरअसल अमरजीत सिंह और उनके भाई बहनों के बीच घर के बंटवारे को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। इस दौरान परिवार के सदस्यों में पहले भी कई बार कहा सुनी और झड़प हो चुकी थी। झगड़े और विवाद से बचने के लिए अमरजीत सिंह कुछ दिन पहले ही विवादित स्थल को छोड़कर अपने निर्माणाधीन मकान में चले गए थे। इस दौरान पंचायत प्रधान ने परिवार के आपसी झगड़े को निपटारे को मंगलवार को पंचायत घर में बैठक बुलाई थी। बैठक में पंचायत के लोगों के सामने ही परिवार के सदस्यों में आपस में बहसबाजी शुरू हो गई और बहसबाजी ने खूनी रूप ले लिया। अमरजीत सिंह और उनके परिवार के घायल सदस्यों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग उन पर हमला करने की नीयत से 15-20 लोगों को लेकर बैठक में आए थे और उन्होंने अपने इरादों को अंजाम दिया। इस झड़प में अमरजीत सिंह को भी चोटें आई है, जबकि अमरजीत के बेटे सरबजोत सिंह के सिर पर गहरी चोट आई है, जबकि अमरजोत की पत्नी सतनाम कौर के हाथ पर तेज धार हथियार से वार हुआ है और सतनाम कौर के हाथ में लगभग 15 टांके लगे हैं। हमले के बाद परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और प्रशासन से उन्हें न्याय और सुरक्षा देने की मांग कर रहा है। बुलाया पंचायत घर में, उन्होंने गुंडे इकट्ठे कर रखे थे, उन्होंने वह कृपालों से काटा, ये सरदार लोग थे जो कृपाल पहनते हैं, और मेरे बच्चे के मार रहे थे, मैं उसको बचा रही थी तो ये मेरा सारा हाथ काट दिया, उसका पूरा सिर कटा हुआ है। और ये कई दिन से खुंदक थी, ये हमारा भांजा सतविंदर और मेरा जेठ सलिंदर सिंह और प्यारा सिंह, ये सब इकट्ठे हो गए। इन्होंने गुंडे बुला रखे थे वहाँ पे, 25-30 लोग थे सर, हम 3 लोग थे। ये मेरे बच्चे नाबालिग है जिनको उन्होंने मारा है सर। हमारे साथ काफी दिनों से हमारे साथ टॉर्चर कर सर, हमारी फैमिली को टॉर्चर कर रहे थे काफी टाइम से। तो सर पहले भी लड़ाई हुई थी, पहले सर उसका कॉम्प्रोमाइज हो गया था हमारे घर में, हमारे जो ग्राम पंचायत के प्रधान जी है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करवा दिया था। एक साल का टाइम दिलवाया था कि हम एक साल से पहले मतलब ये जो पुराना मकान है हम खाली कर देंगे। तो सर उन्होंने एक साल से सर पहले परसों हमारे निकाल दिया सर वहाँ से, परसों भी हफ्ता पाई सर वहाँ पे मेरे सर उसमें ताया जी बुआ जी के लड़के उनकी सर बहू बुआ जी की और सर मेरी ताई जी ये सारे शामिल थे सर उसमें, और उन्होंने सर हमारे बहुत हाथापाई के लिए। तो सर आज फिर हमारे जो ग्राम पंचायत के प्रधान जी थे उन्होंने हमें पंचायत में बुलाया था कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, पर सर लेकिन वहाँ पे ऐसी बात चल रही थी, वो हमसे पूछ रहे थे भी क्या हुआ परसों भी किस बात के बीच लड़ाई हुई है। तो सर उन्होंने जो उनके साथ दूसरी पार्टी में सर उन्होंने हमारे साथ सर ये कर दिया हाथापाई करने की जरूरत है और सिर्फ ये सर और मेरे को धमकी दे जाती हम कहीं ना पे सर। परसों भी कम्प्लेंट हुई, जब परसों लड़ाई हुई थी उस दिन भी कम्प्लेंट हुई थी सर, उसके ऊपर आज फिर सर ये एक्शन चक्की सर। हमारा जो घर का जादे था उसमें मैटर वो था, हमें नवंबर तक का टाइम दे रखा था। तो नवंबर से पहले हमारे घर वालों ने हमारा सामान बाहर फेंक दिया, हमारे साथ मारपीट की मेरे भाई ने, और जो मेरी सिस्टर है वो हमसे वो कमरा खाली करो कह रही, मेरा ये कमरा खाली करो, उसका लड़का है एक गगन और वो कह रहा ये कमरा हमें चाहिए, हमने वो खाली उसी परसों ही खाली कर दिया। तो ये लोग इन्होंने हमारी लड़ाई जैसे और रखी थी, जो प्रधान है वो बोल रहा है चलो मैं फैसला करवा देता हूँ। हमें प्रधान ने पंचायत घर में बुलाया, इन्होंने अपने जो मेरा भांजा उसने अपने जो साले हैं उनको बुला के हमें 10-12 जो 15 लड़के थे उनसे हमारे साथ मारपीट करवाई है इन्होंने, हमें बहुत छीता गया, हम तो अपनी जान है ना, इन्होंने तो हमें खत्म ही कर दिया था वहाँ पे हमारी पंचायत के अंदर, हमने अपनी जान बचा के वहाँ भाग के यहाँ आए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पांटा साहिब से देवांश शर्मा की रिपोर्ट। सच रहा है रण, शुरू है रणनीति, देखिए सीजन की सबसे बड़ी ओपन डिबेट कांगड़ा जिला के मुद्दों पर,
कांग्रेस भाजपा और आपके बीच बड़ी बहस। दिनांक 2 अप्रैल 4:30 बजे से स्थान कोतवाली बाजार पर धर्मशाला। लाइव प्रसारण फेसबुक यूट्यूब और ट्विटर पर एक साथ, जहां जनता का पक्ष रखेंगे मनोज ठाकुर और मुकुल देव राष्ट्रपति। डिबेट के बीच ऑनलाइन वोटिंग और जनता को सवाल पूछने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें